नमस्कार, आप देख रहे हैं आयुर्वेदिक उपचार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में वो तरीका जानेंगे जिससे कि फेफड़े के कैंसर को हम आसानी से पहचान सकेंगे और उससे बच सकेंगे। फेफड़ों का कैंसर दुनिया भर में मौत का एक सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ज़्यादातर मामलों में फेफड़ों के कैंसर का कारण सिगरेट पीना ही होता है, जिसके कारण कई लोग फेफड़ों के कैंसर का शिकार हो जाते हैं। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें ये देखा गया है कि जो लोग सिगरेट या फिर धूम्रपान नहीं करते हैं, यानी कि ना सिगरेट पीते हैं ना किसी प्रकार का धूम्रपान करते हैं यानी कि बीड़ी वगैरह, उन्हें भी फेफड़ों का कैंसर का शिकार होना पड़ता है। तो ये तो आप सभी जानते होंगे कि कैंसर कितना खतरनाक और जानलेवा बीमारी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेफड़े का कैंसर धीरे धीरे पीड़ित को खत्म करने का कार्य करता है, इसीलिए फेफड़ों के कैंसर को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। इसको शुरुआती दौर में पहचानना काफी मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से कैंसर एक गंभीर स्थिति में पहुंच जाता है। लेकिन अगर शुरुआती दौर में फेफड़ों के कैंसर को पकड़ा जाए तो इससे पीड़ित व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। हम आपको इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं कि कौन से वो कारण है जिससे आप पहचान सकेंगे स्टार्टिंग में ही। फेफड़ों का कैंसर किसी को भी हो सकता है, इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है बहुत ज्यादा। लेकिन 90% फेफड़े के कैंसर के मामले धूम्रपान की वजह से होते हैं, ये बिल्कुल सत्य बात है। धूम्रपान करने से वो आपके फेफड़ों के ऊतकों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। फिर जब कोशिकाएं खराब हो जाती हैं तो वो खराब तरीके से ही कार्य करना शुरू कर देती हैं, जिससे फेफड़ों के कैंसर के विकास की संभावना बढ़ जाती है। जब आप धूम्रपान करना बंद कर देते हैं तो इससे फेफड़े के कैंसर की संभावना भी कम हो जाती है। क्या लक्षण है इसके, कैसे पहचाने? तो फेफड़ों के कैंसर का मुख्य लक्षण में से है सिर दर्द होना, थकान होना, लगातार खांसी आते रहना, खांसी के साथ कभी कभी ब्लड आ जाना या हमेशा ब्लड आ जाना, अचानक छाती में दर्द होने लगना, सांस लेने में दिक्कत आना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, चेहरे और गर्दन में सूजन होना, बोलने में दिक्कत आना या फिर आंख से धुंधला दिखाई देना। फेफड़ों के कैंसर का खतरा क्या है, रिस्क क्या है? तो फेफड़ों के कैंसर के लिए सबसे बड़ा जोखिम कारक धूम्रपान है, जिसमें सिगरेट और सिगार शामिल होता है। तंबाकू उत्पादों में हजारों नुकसानदायक पदार्थ होते हैं, उस पर लिखा भी होता है। CDC के मुताबिक धूम्रपान करने वालों को नॉन स्मोकर्स की तुलना में फेफड़ों के कैंसर होने की संभावना 15 से 30 गुना ज्यादा होता है। जितना अधिक आप धूम्रपान करेंगे, फेफड़े के कैंसर के विकास की संभावना उतनी ही ज्यादा होती रहेगी। वहीं पर अगर आप धूम्रपान का सेवन करना कम करते हैं या फिर इसे छोड़ते हैं तो इससे आपके फेफड़ों के कैंसर का खतरा भी कम होता है। इसके साथ ही अगर आपके परिवार के इतिहास में किसी को कैंसर था तो वो आपको भी हो सकता है। और फेफड़ों के कैंसर का व्यक्तिगत इतिहास, खास करके अगर आप धूम्रपान करने वाले लोगों में से हैं, तो फेफड़ों के कैंसर वाले लोगों के लिए आहार क्या होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये भी है। तो आइए समझते हैं, फेफड़ों के कैंसर से पीड़ित लोगों के लिए कोई विशेष आहार नहीं होता है, लेकिन आपके शरीर के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ विटामिन या खनिजों की कमी है तो आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि वो आपकी बॉडी को अच्छे से जानते हैं। बिना डॉक्टर की सलाह के आपको डाइट नहीं लेनी चाहिए, ये आपके उपचार में और आपके स्वास्थ्य दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। भूख लगने पर तुरंत कुछ खा लीजिए, ये नियम ध्यान में रखिए। कोई बड़ी भूख नहीं है तो पूरे दिन कुछ न कुछ खाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको वजन बढ़ाने की जरूरत है तो कम चीनी, उच्च कैलोरी वाले खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों को ले सकते हैं। अपने पाचन तंत्र को शांत रखने के लिए पुदीने और अदरक की चाय का सेवन करते रहिए। कब्ज की समस्या होने पर आपको ज्यादा फाइबर वाले खाद्य पदार्थों को अपनी डाइट में शामिल करते रहना चाहिए। अब सवाल यह आता है कि इससे बचाव कैसे करें? तो धूम्रपान न करें, घर पर ही रेडॉन की जांच करें, सेकेंड हैंड स्मोक से हमेशा ही बचें, फेफड़ों के कैंसर से बचने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, फलों और सब्जियों को खाएं, नियमित रूप से ग्रीन टी का सेवन करें, शराब का सेवन कम से कम मात्रा में करें। अब इसमें आपको एक बात समझ में नहीं आई होगी शायद, कुछ लोगों को, सभी को नहीं कहा ऐसा मैंने, सेकेंड हैंड स्मोक से बचना, क्या होता है ये? तो सेकेंड हैंड स्मोक मतलब कि आपके आसपास कोई स्मोकिंग करता है, जब वो उस धुएं को छोड़ता है और वो आपके अंदर जाता है तो इसे सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत घातक होता है। तो उस समय पर आप वहां से हट जाइए या फिर मुंह पर रुमाल रख लीजिए, कोई कपड़ा रख लीजिए, बेहतर होगा। गुड़ खाना थोड़ा फेफड़े की सफाई के लिए बेहतर रहता है, ये फेफड़े को साफ करता है। घी मिला करके गुड़ खाते हैं थोड़ा सा, तो हर रोज खाने के बाद थोड़ा सा खा सकते हैं। और फेफड़ों की कैसे सफाई करनी है
हैं, अगर ये आप जानना चाहते हैं तो इस चैनल पर हमने एक एपिसोड में बताया हुआ है कि फेफड़ों की आखिर सफाई कैसे करें, कौन कौन से वो फूड्स हैं और किस प्रकार से उनका सेवन करना चाहिए जिससे कि फेफड़ों की सफाई होती रहेगी समय समय पर, तो चांस कम रहेगा फेफड़ों के कैंसर के होने का। तो वो वीडियो आप बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिए, जाकर के प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगी जिससे कि आपको 100% लाभ मिलेगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ऐसी ही नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी हम लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, फैमिली मेंबर्स के साथ, दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी अच्छी जानकारी मिल सके। फिलहाल विदा लेते हैं आज के इस वीडियो से, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।